ठीक। चलिए, पार्लियामेंट्री कंट्रोल में जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा ना, प्रोसीजर कंट्रोल पढ़ा है, केस लॉस पढ़े थे। दीक्षा, अविनाश, रितिका, कंचन, कौन कौन है? यस केस लॉस फिर से पढ़े हम लोगों मैम, ने। यस मैम, देखे थे 2 केस 9 मिनट दो मिले हैं, बाकी सब और किसको कौन कौन से मिले? अविनाश, यस मैम। दे पड़े केस। कंचन, रितिका, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आप अगर बुक खोलोगे ना तो डायरेक्टली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक आप थोड़ा बहुत यहाँ क्लासेस से पढ़ के नहीं जाओगे। ठीक है, जैसे कि ये दो टर्म्स हैं, कंसल्टेशन एंड पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन। ठीक है, तो जो भी केस लॉस आपको प्रोसीजर कंट्रोल के अंदर मिलेंगे उनका जजमेंट इन दोनों जो पॉइंट्स के ऊपर ही बेस्ड होगा। ठीक है, वॉइड होगा, इनवैलिड होगा, नहीं होना है, सब इसी पे डिपेंड करेगा, इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। ठीक, तो आप जो भी, इसीलिए हमने कहा केस लॉस और पढ़ लो, ताकि आपको पता चलेगा कि सारे केस लॉस इन्हीं दो पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। जुडिशरी इसी के ऊपर देखेगी कि ये चीजें फॉलो हुई हैं कि नहीं हुई हैं, अगर आपके इनेबलिंग एक्ट में ये चीजें मेंशन है। ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने प्रोसीजरल कंट्रोल के ये चार केसेस पढ़ लिए थे। नेक्स्ट जो केसेस ये और हैं तीन, ये भी घूम फिर के उसी पे ऊपर डिपेंड है, कंसल्टेशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन। ठीक है, इसमें हम ये लास्ट वाला केस अभी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो नरेंद्र कुमार एंड बैंगलोर डब्ल्यूसी कॉरपोरेशन मिल्स वाला है, ये भी आपके लास्ट केसेस के तरीके का ही है, टैक्सेशन का है और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, कि उन्होंने पर्टिकुलर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी हैं, तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का, तो इसलिए प्रायर कंसल्टेशन और पब्लिकेशन एंड पब्लिसिटी के ऊपर ये दोनों हैं। गोविंद लाल वर्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, AIR 1966। ठीक है, तो ये जो केस है इसके आप फैक्ट थोड़ा देख लो। इसमें इन दिस केस अंडर द गुजरात एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट 1964 की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें द डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज इम्पावर्ड टू इशू ए नोटिफिकेशन टू रेगुलेट परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन एनी एरिया। तो जो डायरेक्टर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, उनके पास ये पावर्स हैं कि वो कोई भी जैसे रेगुलेशंस हैं उनको रेगुलेट रूल्स बना सके रिगार्डिंग द सेल, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सेल से रिलेटेड। ये जो फार्मर्स एक्ट आया था सबको पता होगा, ठीक है, जो इतना इशू हुआ था। हेलो, वॉइस आ रही सबको? ठीक है, जो फार्मर्स एक्ट आया था उसमें भी कहीं ना कहीं क्या था कि जो फार्मर्स थे वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो एक्ट के अंदर मेंशंस थे उसके ऊपर ये क्या कर रहे थे, उनको कंसिडर नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, उनके ऊपर उनका एक सहमति नहीं थी, मेजोरिटी नहीं थी, उनको लग रहा था कहीं ना कहीं उनके राइट्स यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहे हैं, हार्म हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या हुआ, उसके अगेंस्ट बैठे हुए थे। ठीक, तो कहीं ना कहीं जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं और वो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट कह लो या कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उनसे उनकी राइट्स इंफ्रिंज हो रहे हैं, तो ये जो दो चीजें हैं कि आपको, जब हम पार्लियामेंट्री कंट्रोल अभी पढ़ेंगे तब कुछ चीजें और देखेंगे, तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि आपको कंसल्ट करना है और आपको मतलब उस पर्टिकुलर कमिटी के सामने या फिर मेंबर्स के सामने रखना है जिनसे जुड़े ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये जो कमिश्नर है, सॉरी डायरेक्टर है, उनके पास ये पावर थी कि वो रेगुलेट कर सके परचेज एंड सेल,
हो सकता है, मतलब कितने में खरीदा है कितने में बेचना है, रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उस पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो एक्ट होगा या फिर नेबलिंग एक्ट कह लो आप, उसमें ये था कि द नोटिफिकेशन वाज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। तो गैजेट तो सबको पता ही है, उसमें पब्लिश होना था एक पहली कंडीशन, एंड ऑल्सो टू बी पब्लिश्ड इन गुजराती इन ए न्यूज पेपर हैविंग सर्कुलेशन इन द एरिया कंसर्न। एक गुजराती जो लैंग्वेज है उसके अंदर इसको पब्लिश करवाना था। पहला तो गैजेट में आपको लिखवाना था, सेकेंडली आपको क्या करना था, उसको पब्लिश करवाना था न्यूज़पेपर में गुजराती में, और जिसका सर्कुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छा खासा हो। जो हमने एक केस लॉस पढ़ा था जिसमें हिंदी में पब्लिश करवाना था पर उर्दू में करवा दिया था, और उसको इनवैलिड नहीं माना था क्योंकि जो उर्दू जो पेपर था उसका सर्कुलेशन ज्यादा था, वो वीकली बेसिस पे नहीं आता और डेली बेसिस पे आता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड नहीं किया था। ठीक है, कि आपने उसमें ना छपवा के बल्कि अच्छे में ही छपवाया है, ठीक है, पब्लिश करवाया है, तो इसलिए वहां पे उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, मतलब फर्दर इनवैलिड नहीं किया गया था। ठीक है, वैलिड कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ कि उसको गुजराती न्यूज़पेपर में करवाना था जिसका सर्कुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा हो। दस द फाइनल पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन द न्यूज़पेपर इन गुजराती वाज मैंडेटरी। अब एक होता है कि आप चाहो, आपकी डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड होता है कि आप चाहो तो करवा लो, मत नहीं चाहना है तो नहीं करवा सकते हो, पर जहां पे ये मैंडेटरी वर्ड यूज हो जाता है वहां पे क्या हो जाता है, आपको 100% करवाना ही करवाना है, ये जो आपको जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी ही करनी है, वरना इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी वो मैंडेटरी थी इस केस में, बट इन द इंस्टेंट केस इट वॉज फाइनली पब्लिश्ड इन द गेजेट बट नॉट इन द गुजराती न्यूज़पेपर। बट इस केस में उसको गैजेट में तो पब्लिश करवा दिया गया बट गुजराती न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश नहीं करवाया गया। द कोर्ट रूल दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स पब्लिकेशन वॉज मैंडेटरी एंड मस्ट बी फुलफिल्ड। द कोर्ट वॉज अब कोर्ट ने ये फाइनल जो डिसीजन इसमें दिया है कि जो मैंडेटरी कंडीशन थी कि आपको उसको पब्लिश करवाना ही करवाना था, वो उसने फॉलो नहीं करी इस केस में। ठीक है, एंड इससे क्या हुआ, जो जजमेंट आया है चंद्रचूड़, अकॉर्डिंग टू द जस्टिस चंद्रचूड़, सबको पता है द वायोलेशन ऑफ दिस रिक्वायरमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट। अब किसको अफेक्ट कर रही है, जब आपने उसको पब्लिश ही नहीं करवाया, जो सेल प्राइस थी और जो खरीदने की थी परचेज प्राइस थी वो सर्कुलेट ही नहीं हुई, जो एग्रीकल्चर यहाँ पे जो फार्मर्स थे उनके बीच में उनको पता ही नहीं चला, तो इससे क्या हुआ, उनके जो अफेक्ट्स थे जो वैल्यूएबल राइट्स थी उनकी, जो किसकी, ट्रेडर्स की, वो यहाँ पे क्या हुई, इन्फ्रिंज हुई। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एंड एडुकेट पब्लिसिटी, तो आपने ढंग से उसको पब्लिश भी नहीं करवाया, और उसका क्या हुआ यहाँ पे, इन केस कह लो आप, जो उनकी राइट्स थी जो फार्मर्स की एग्रीकल्चरिस्ट की, वो यहाँ पे हार्म हुई, हैम्पर हुआ उनकी पूरी बिजनेस। ठीक है, इस केस में उसको क्या कर दिया गया, इनवैलिड करार कर दिया गया। समझ आया ये केस? बताओ भाई, शिव, दीक्षा, राजितोषा, सब लोग बताओ। हेलो, यस ठीक है, कंचन, दीक्षा, शुक्ला, अविनाश, जिसको भी डाउट हो ना वो अभी पूछ लो। यस मैम, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने बताया है, जो दो पॉइंट्स हैं आपके, दो पॉइंट्स कौन से, एक हो गया ये आपका कंसल्टेशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन। तो प्रोसीजर कंट्रोल में ये दो मेथड्स आपको ध्यान में रखने हैं, एट द सेम टाइम आपको जो भी केस लॉज आपके सामने आएंगे वो इन्हीं दो के ऊपर इनके जजमेंट बेस्ड होंगे, जो फैक्ट होंगे वो भी इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आप बुक उठाओगे तो आपको अपने आप ही केस लॉ समझते चले जाओगे, ठीक, क्योंकि उनका फाइनल जजमेंट इसी पे बेस्ड होगा, फैक्ट कुछ भी हो। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस था ये वाला, इसलिए हमने इसको आपको कुछ फैक्ट बता दिए, फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार, बुक में मिल जाएगा, और ये पीडीएफ जो है आज हम सेंड कर देंगे शाम तक आपको। ठीक, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसके बारे में है वो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, सेकंड आ गया अपना पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो डेलीगेटिंग पावर जो होती है वो किसके हाथों में होती है, बताओ, आंसर बोलो,
डेलीगेटिंग पावर किसके हाथ में होती है? बताओ भाई। किसके पास? अरे ये खत्म होने जा रहा है आपको डेलीगेटेड एजुकेशन। सही से बताइए। अविनाश बता रहे थे कि शिव बता रहे थे? कौन बता रहा था अभी? डेलीगेटिंग पावर किसके हाथ में होती है बताओ? टीचर के पास होती है। हाँ सिंपल सा आंसर है। कौन पावर डेलीगेट कर रहा है भाई? जैसे आपके मम्मी हैं या पापा हैं, वो आपको खुद की पावर डेलीगेट करके कह रहे हैं कि ये काम तुमको करना है, तो पावर तो वहीं से ड्राइव होके आई ना। लेजिस्लेचर के पास होती है। हाँ लेजिस्लेचर के पास होती है, ठीक है। तो जो पावर होती है डेलीगेट करने की, सब डेलीगेशन की किसके पास होती है? लेजिस्लेचर ने पावर किसको डेलीगेट करी? अथॉरिटी को, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ मेंशन है इन एनेबलिंग एक्ट, ठीक है, लिमिट्स मेंशन होती हैं, अगर उनके पास ये पावर फर्दर डेलीगेट करने की है तो वो सब डेलीगेट कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी पावर्स हैं डेलीगेट करने की वो होती है लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। बोथ डेलीगेटिंग एंड द पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोलिंग कंट्रोल इज विद द लेजिस्लेचर। माना कि वो क्या है, अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देते हैं कि भाई जो भी पेरेंट एक्ट है वो हमने फॉर्म कर दिया, फर्दर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बायलॉज है, ठीक है, ऑर्डिनेंस ये हो गई, ये क्या करना है, ये आपको फ्रेम आउट करना है। वो कंडीशंस जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुकी थी कि नीड क्या है उनकी, ठीक है, अंडर दोज कंडीशंस आपको क्या है, ये पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, ठीक। तो ये लेजिस्लेचर ने क्या किया, डेलीगेट कर दिया। बट ये जो कंट्रोल हम पढ़ रहे हैं, ये कंट्रोल चेक रखने के लिए है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बायलॉज कौन बना रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बना रही हैं, ठीक है। तो सेकंड जो है, पहला तो हमने देख लिया प्रोसीजर, भाई अभी स्टार्टिंग ही हुई है तो प्रोसीजर सबसे पहले पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद आ गया पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जो डेलीगेट करवा रहे हैं उनका क्या कंट्रोल है इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कंट्रोल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब इन्होंने दे तो दी पावर, ठीक है, बट किस तरीके से अब इनको चेक रखना है, इनको सुपरवाइज करना है कि जो आपने पावर्स दी हैं कहीं उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा है, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं यूज किया जा रहा है उसको, या फिर जो पावर्स दी गई हैं उससे कम यूज हो रही है, मतलब काम ही नहीं कर रहे हैं जो काम करने को दिया गया है उनको, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को। तो यहाँ पे इन इंडिया पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज एन इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, ये पार्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। एज सच आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिलेगा, बट इनहेरेंट पार्ट है ये फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। आप कोई भी किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर देख लीजिए, वर्किंग के अंदर, ठीक है, हर जगह क्या हो रहा है, पावर्स को डेलीगेट किया जा रहा है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। तो बिकॉज ओवरऑल क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो जो भी काम करेंगी दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर किसको यहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हो, जवाबदेही किसकी होती है, सिटीजन्स के सामने, जो आपके मिनिस्टर्स बैठे हैं जो पार्लियामेंट में, ठीक है, क्योंकि उनको क्या है फिर से वहां पे बैठना है जाके जीत कर, ठीक। तो ये जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ये दो तरीके का है, डायरेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो सीधे सीधे दो तरीके का होता है, एक जनरल कंट्रोल एंड एक होता है स्पेशल कंट्रोल, ठीक है। तो जो डायरेक्ट कंट्रोल है उसमें क्या होता है, ये बात आ जाती है आपकी, एक सेकेंड, पेरेंट एक्ट से रिलेटेड, ठीक है, पेरेंट एक्ट और इनेबलिंग एक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट कंट्रोल कि यहाँ पे आप, हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहा है?
यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो सीधे सीधे अभी आपने फॉर्म कर लिया अपना पेरेंट एक्ट, ठीक है, एट द सेम टाइम उसके अंदर क्या है, जो आपने इनेबलिंग एक्ट के अंदर जो पावर्स डाले हैं डेलीगेट करने की, वो सारी चीजें एक मुद्दा बन जाती हैं डिबेट का, क्योंकि उसको आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप हाउस के सामने रख रहे हैं, ठीक। तो कंट्रोल यहाँ पे कैसा है कि सब लोग की नजर है उस पर, जो भी आप पास कर रहे हो पेरेंट एक्ट के अंदर, आप जो भी मेंशन कर रहे हो और कितनी पावर्स दे रहे हो थ्रू इनेबलिंग एक्ट जो मेंशन करता है, कितनी पावर्स दे रहे हो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को रूल्स बायलॉज रेगुलेशंस बनाने के लिए, उसके ऊपर क्या होता है, डायरेक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, डिबेट्स हो रही हैं। आवाज नहीं आ रही, और सबको आ रही है? हेलो, मैम वॉइस कट कर एक मिनट होल्ड करो, रहा फिर से देख है। रहे हैं। हेलो हेलो, पापा पापा अपना हेलो, 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 ठीक है, कहाँ पे, कहाँ से खत्म हो गई थी मेरी आवाज, कहाँ तक पड़ा आपने? को बता जनरल कंट्रोल, ओके, स्लाइड शो हो रही है, स्लाइड दिख रही है सबको? हेलो, नहीं, अभी मैं एक सेकेंड, नहीं अब शो हुई, हेलो, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने देखा पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर दो तरीके कंट्रोल है, कि किस तरीके से जो पावर डेलीगेट कर रहे हैं उससे पहले क्या होता है, जो भी कह लो आप बिल वगैरह है उसको क्या है सामने रखा जाता है डिबेट वगैरह के लिए, ठीक, ताकि कोई भी ऑब्जेक्शंस हो कि जो पावर डेलीगेट की जा रही है उसको करनी भी चाहिए या नहीं, या किस लिमिट तक की जा रही है, फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है, तो अब किस लिमिट तक की जा रही है उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, ठीक। जो रेजोल्यूशन है उसको मूव करवाया जा सकता है बोथ द हाउसेस में, रिगार्डिंग मतलब उसके फेवर में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको अभी हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब आपको हमने जो फोर्थ यूनिट में जो कमिटीज बताई थी, अब उनका रोल यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छा रहा हमने वो फोर्थ यूनिट पहले ही पढ़ ली है, तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी थोड़ी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल में क्या है, सीधे सीधे आपने पार्लियामेंट के सामने रख दिए, ठीक, जो भी पर्टिकुलर पेरेंट एक्ट है और जो राइट्स आप पावर्स जो डेलीगेट करने वाले हो उसके ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो सकती है डायरेक्टली, सारे लोग का यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल है उसके ऊपर, ठीक। एट द सेम टाइम क्या है, यहाँ पे रेजोल्यूशंस और नोटिसेस के थ्रू कि मतलब आप पास करवा सकते हो, कोई डाउट है दोनों हाउसेस में आप रखोगे, अगर ऑब्जेक्शंस होंगी कोई पर्टिकुलर क्लॉजेस को हटाना होगा तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, वोट ऑन ग्रांट, ठीक है, कि कितना उनको कह सकते हो आप फंड वगैरह प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, किस हद तक करना है, बिल फॉर मॉडिफिकेशन इन द पेरेंट एक्ट, अगर पेरेंट एक्ट कुछ ऐसी चीजें डाल रहा है विच इज अगेंस्ट वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर
जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अगेंस्ट, तो यहाँ पे मॉडिफाई करने का भी यहाँ पे प्रोसीजर है, ठीक है। डायरेक्टली आप कंट्रोल कर रहे हो, डायरेक्ट कंट्रोल जो जनरल के अंदर आ जाता है। स्पेशल क्या है? इट इज एक्सरसाइज थ्रू टेक्निक्स ऑफ लेइंग ऑन द टेबल, ठीक है। लेइंग ऑन द टेबल से मतलब आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सेम प्रोसीजर है, ये जो डिबेट वगैरह है यही सबसे पहले आप ले करोगे ना, सामने टेबल पे लाना कोई पर्टिकुलर पेपर्स को, कोई पर्टिकुलर फाइल को, ठीक है, सबके सामने लेके आना। इसमें कौन लेके आ रहा है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, स्पेशल कंट्रोल है ये, ठीक। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को आपने पावर डेलीगेट किया है, उन्होंने पेरेंट एक्ट के अंदर की जो फ्लैश एंड ब्लड है, आप समझ लो उसके अंदर की चीजें, जो रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए हैं उनके अंदर, जो इनेबलिंग एक्ट के अंदर जो लिमिट दी गई है कि किस हद तक आपको बनाना है, एट द सेम टाइम पार्लियामेंट आपके ऊपर कंट्रोल रखे हुए है कि जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो लिमिट्स में रह के बनाए हैं कि नहीं, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज पार्लियामेंट के सामने टाइम टू टाइम लेकर आते हैं। ये मैंडेटरी भी हो जाते हैं जब आपके पेरेंट एक्ट में या फिर इनेबलिंग एक्ट में ये सारी चीजें मेंशन है कि आपको मैंडेटरी है कि आपको कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास करने से पहले आपको यहाँ लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है, चाहे एक फॉर्मेलिटी हो बट आपको यहाँ लाना है। एट द सेम टाइम ये डिस्क्रिशनरी भी हो जाते हैं कि आप ला भी सकते हो नहीं भी ला सकते हो, ठीक। जहाँ पे ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपकी जो इनेबलिंग एक्ट में जो लिमिट्स मेंशन है उस पर, जो जैसा कि अभी हमने प्रोसीजर कंट्रोल में पढ़ा था कि अगर वहां पे मेंशन है कि इसका पब्लिकेशन एंड पब्लिसिटी होनी चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए, मैंडेटरी है, तो आप उससे हट नहीं सकते, आपको वो करवाना ही करवाना है। समझ आ रहा है? हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो, नहीं क्या हो रहा है? हेलो, कट नहीं आ रही वॉइस? कट अच्छा, एक मिनट होल्ड करो यार, दूसरा नेटवर्क फोन कर। सिद्धार्थ, बच्चों को आवाज ही नहीं आ रही यार, किया पता नहीं तुम्हारा हटके फिर से पापा का हो गया। माउस कहाँ गया? माउस पापा के पास है। तो खोला नहीं, हो गया मेरा कनेक्ट। इससे खोलू? यहाँ पे भी खोलू? क्या चीज़? वाईफाई? हेलो हेलो, देखो आया ना करे ना, उसी समय बता दिया करो, हम बोलते चले जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेटवर्क इशू बहुत है। अब कहाँ तक पढ़ाया था बताओ? डायरेक्ट कंट्रोल स्पेशल पढ़ा रहे थे? स्पेशल हाँ, इसमें क्या होता है, जब जो पावर्स आपने डेलीगेट किए, किसको डेलीगेट किए? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, रूल्स लॉज बाय लॉज सब बनाना स्टार्ट कर दिया पेरेंट एक्ट के अंदर की चीजों को, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशंस है तो उसके हिसाब से। अब इसमें क्या हुआ कि जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, अगर वो इनेबलिंग एक्ट में ऐसा प्रोसीजर दे रखा है, मैंडेटरी है आपको कि आपको इसको टेबल ले करना है किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने, ठीक है, आपको लेके आना है, क्योंकि वहां पार्लियामेंट देखेगी कि जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए वो अपनी लिमिट्स में रह के बनाए हैं आपने कि नहीं बनाए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल है कि सीधे सीधे क्या हो रहा है वहां पे, स्पेशल तरीके से जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो सामने आप लेके आ रहे हो पार्लियामेंट के, ठीक। तो इसी को कहते हैं टेक्निक ऑफ लेइंग ऑन द टेबल। अब जो टेक्निक ऑफ लेइंग ऑन द टेबल है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये देखिए,
स्लाइड शो हुआ फॉर्म्स ऑफ लेइंग. हेलो, ठीक है, इसमें क्या है, ये फॉर्म्स है लेइंग तरीके, ले किस तरीके से करना है. ठीक, इसका ये जो आपको चार तरीके दिख रहे हैं ये मैंने बुक से जो इम्पोर्टेंट है वो निकाल के यहाँ लिखे हैं. बुक्स में और भी हैं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए चार जो ये टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, इसमें सब कुछ आ गया है. फर्स्ट है लेइंग विथ नो फर्दर डायरेक्शंस. लेइंग विथ नो फर्दर डायरेक्शन ये कहीं ना कहीं पहला फॉर्म ऐसा है जहां पर एक तरीके से आपको फॉर्मेलिटी करनी है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बायलॉज जो आपने बनाए हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ने, उसने सामने रख दिए जाके, अपनी फाइल रख दी जस्ट फॉर द सेक ऑफ उसको दिखाना था कि उसने बनाए हैं और रख दी जाके. उसमें कोई फर्दर डायरेक्शंस कोई भी हाउसेस नहीं देगा. ठीक, एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि जो ड्यूटी थी वो निभा दी है. ठीक, यहाँ पे क्या है, कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई डिबेट नहीं होगी. समझ आ रहा है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बनाए हैं वो कहीं ना कहीं आपके अप्रूव हो गए, आपके रखते ही, फाइल रखते ही क्या हुआ, सैंक्शन हो, अप्रूव हो गए. ठीक है, उनके ऊपर एज इट इज अप्रूव हो गए, उनके ऊपर कोई रेजोल्यूशन वगैरह नहीं जाएंगे. ठीक, ना नेगेटिव रेजोल्यूशन ना एफर्मेटिव. अब जो पहला है उसी से आपको दोनों सेकेंड और थर्ड आपको समझ में आ जाने चाहिए, नेगेटिव रेजोल्यूशन एफर्मेटिव रेजोल्यूशन. ठीक है, अब लेइंग सब्जेक्ट टू नेगेटिव रेजोल्यूशन. अब आपने टेबल पे रख दी लेइंग बिफोर द पार्लियामेंट. ठीक है, अब आपने टेबल पे रखी, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जो आपने बनाए हैं उनमें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो जो पेरेंट एक्ट या फिर एनेबलिंग एक्ट में जो आपको पावर्स प्रोवाइड किए गए हैं उसको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज कर रहे हैं या फिर उसकी लिमिट से ज्यादा है. ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हार्म कर रहे हैं. ठीक है, अगेंस्ट द प्रोविजंस हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नेगेटिव रेजोल्यूशन निकल के आया, कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो हाउसेस में जो लोग बैठे हैं उनका एक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ है, सहमति होती है. और दूसरे को क्या कहते हैं हिंदी में, विपत्ति. हिंदी मीडियम वाले बताओ भाई. हाँ, असहमति. ठीक है, यहाँ पे हो गई असहमति पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ने बनाए हैं. ठीक, अब उन्होंने क्या किया, एक नेगेटिव रेजोल्यूशन पास कर दिया. किसने पास कर दिया, नेगेटिव, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. अगर नेगेटिव रेजोल्यूशन पास हो गया है और वो दोनों हाउसेस में उसी तरीके से एग्री हो गए, दोनों हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो देन एंड देयर किसको अल्ट्रा वायर्स एक तरीके से जैसे जुडिशरी करती है उस तरीके से इनवैलिड हो जाएंगे और यहाँ पे इनका जो इफेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड. समझ रहे हैं मैम? फाइट तो कर देते हैं. क्या क्या? कभी कभी मैं मॉडिफाई करके भी उसको अप्रूव कर देते हैं. हाँ हाँ, मॉडिफाई करके भी देंगे. ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे जाकर नेगेटिव आ गया कि टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे आप अप्रूव नहीं करवा पा रहे हो अपनी, अगर वहाँ पे मैंडेटरी है. ठीक है, इन सारी चीजों को, तो यह नेगेटिव रेजोल्यूशन में चीजें वहां पे नल एंड वॉइड हो जाएंगी. ठीक, और जहां पे एफर्मेटिव रेजोल्यूशन आ गया कि दोनों हाउसेस से पॉजिटिव तरीके से पास हो गए, जहां पे ये मैंडेटरी था पास करवाना, यहाँ पे कोई भी आपत्ति नहीं आई या फिर असहमति नहीं हुई. ठीक है, तो एफर्मेटिव तरीके से अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाते हैं दोनों हाउसेस से तो क्या होगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने बनाए हैं वो फर्दर मूव ऑन हो जाएंगे. ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आ रही हैं. ये कंट्रोल है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल है किसके ऊपर, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बना रही हैं, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो रहा है उनके ऊपर चेक रखने के लिए. ये तीन चीजें समझ में आई, ये बुक से पढ़ना फिर और समझ आएगा. ठीक है, उसके बाद आपका है लेइंग इन ड्राफ्ट. लेइंग, एक सेकंड, इसमें और भी ये जो फॉर्म्स हैं वो और भी हैं, बुक में देख लिएगा. ठीक है,
laying with immediate effect but requiring affirmative resolution as a condition for continuance. This form of laying is convenient where strict parliamentary suppression as well as prompt operation of delegated legislation are essential, but keep it alive which would otherwise die without sir confirmation. अब ये कहीं ना कहीं इसको मैंने इसीलिए इस पॉइंट में रख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो आप नेचर देखोगे वो ऑर्डिनेंस टाइप का है, समझे कुछ? ऑर्डिनेंस कब आती है? हाँ, जब दोनों हाउसेस नहीं होते हैं सेशन में, वो जब हाउस नहीं होते हैं, ठीक है, वो लोकसभा नहीं होती है, ठीक है. अब क्या हुआ, अब इसका आप लिंक कैसे करोगे इसको और ऑर्डिनेंस वाले को, बताओ. Laying with immediate effect but requiring affirmative resolution as a condition for continuance. Ordinance कितने महीने के लिए आती है, उसको effect में रहती है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, House के सामने उसको further continuance के लिए लाया जाता है कि नहीं, जब House आ जाता है session. है ना, तो इसका मतलब देन एंड देयर जब नीड हुई हमको किसी पर्टिकुलर एक्ट को, हम तो नहीं ला सकते क्योंकि ये काम लेजिस्लेशन का है, तो ऑर्डिनेंस के थ्रू उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमने उसको इफेक्ट में ला दिया, ठीक है. तो इसी तरीके से जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एक इमरजेंसी सिचुएशन में लाने हैं, ठीक, बट देन एंड देयर उसको क्या है, रेजोल्यूशन, ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक, कि अफर्मेटिव अप्रोच है कि नेगेटिव अप्रोच है, ये सारी चीज है. तो देन एंड देयर उसको इमीडिएट इफेक्ट के लिए हमने उसको ला तो दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेइंग विथ नो फर्दर डायरेक्शन की तरीके से आप देख लो कि उसको अप्लाई करवा दिया गया, ठीक, बट उसको कंटिन्यूएंस में रखने के लिए क्या किया जा रहा है, बाद में ये रेजोल्यूशन वगैरह एक तरीके की कंडीशन है वहां पे कि अभी तो आपने उसको इफेक्ट में ला दिया है, बट इसके ऊपर क्या होगी, बहस होगी एक तरीके की, उसको फर्दर कंटिन्यूएंस में रखना है कि नहीं रखना है, समझ आ रहा है? ऑर्डिनेंस की तरीके से उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जल्दीबाजी में एक तरीके से कह लो अभी हमको इसका रिजल्ट चाहिए, उस पर्टिकुलर जगह पर इसको रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर्टिकुलर जगह पे लगना जरूरी है अभी, इसलिए उसको देन एंड देयर क्या हुआ, पास करवा दिया, वो इफेक्ट में आ गया वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है. बट उनको फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये बात के लिए छोड़ दिया गया कहीं ना कहीं, ठीक है. हाँ बताओ, हाँ फोर्टी डेज होगा, एक बार देखना आप. हाँ 40 है क्योंकि आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो बॉडीज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात होती है ना, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है. हाँ वैसे ही होता है, ठीक है, वैसे ही होता है, वरना वो लैप्स हो जाता है, इस तरीके से नेगेटिव अफर्मेशन की तरीके से हो जाएगा वो कहीं ना कहीं, कि आपने उसको अप्रूव नहीं किया तो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा. इसीलिए हम कह रहे हैं बुक को फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है अविनाश, ठीक. फिर जो भी डाउट हो वो कल पूछना, ठीक है. तो क्योंकि लेइंग जो है वो अभी और एक दो तरीके की और है, जब आप पूरी बुक पढ़ोगे, ये हमने इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, जब आप बुक का वो पूरा पेज पढ़ोगे तब आपको और समझ में आएगा कि कितने दिन तक रखना है, और उसके बाद अगर नहीं होता तो लैप्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक. अब नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल है, ये डायरेक्टली क्या हुआ, यहाँ पे बहस हो रही है, ठीक है, तो ये डिबेट वगैरह का प्रोसेस हो गया. अब यहाँ पे क्या हुआ, इनडायरेक्ट कंट्रोल है. इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, कमिटीज आ जाती हैं. तो हम लोगों ने जो दो तरीके की कमिटीज पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी, याद करो,
ये तो सब पॉइंट्स हो गए, जो दो तरीके की थी मेन पॉइंट्स बताओ। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी या एडहॉक कमेटी, एक मिनट होल्ड करिए। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी कौन होती थी? परमानेंट नेचर होता है, ठीक है, जिनको रखा ही रखा जाता है, परमानेंट नेचर की होती हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर आती हैं। एडहॉक होती हैं जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए आती हैं, जो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो लैप्स हो जाती हैं। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट कंट्रोल है उसके थ्रू आप कह सकते हो कहीं ना कहीं चेक रखने के लिए ये पार्लियामेंट एक तरीके से कमेटी बना सकता है। ठीक है, उन कमिटीज के अंदर ये कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन आती हैं। कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन हो गया? अब यहाँ पे फिर से बात आ गई सामंत की, कंचन समझ रही हो, तो तुमने पूछा था। ठीक है, अब यहाँ बात आ जाती है सामंत की। सामंत ने बताया एक सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है, एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। ठीक है, तो जब हम सुप्रीम लेजिस्लेशन की बात करेंगे तो वहां पे आ जाता है जो भी लेजिस्लेशन विच इज मेड बाय द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के थ्रू डायरेक्टली बनाए जा रहे हैं, और अदर देन दैट कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन बनाया जा रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज कम दैट ऑल कम्स अंडर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। स्लाइड दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, तो ये कमेटी का पर्पस क्या है, ये कमेटी क्या क्या करती है, और ये बुक में आप लोग फिर से पढ़ लेना कि जो हमने बताया थे कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, वो सारी चीजें इसके अंदर और डिटेल में दी गई हैं, जो ऑलरेडी हम फोर्थ यूनिट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कमेटी क्या एग्जामिन करेगी? वेदर द प्रोविजंस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज इन अकॉर्डेंस, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इज इन अकॉर्डेंस विथ द, विद द जनरल ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, अब जनरल ऑब्जेक्ट कौन से हुए? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्ट मतलब कि पेरेंट एक्ट, पेरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ है उसके जो प्रोविजन हैं, और जो पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काम कर रहा है, जो रूल्स वगैरह फ्रेम कर रहा है, वो इनके अकॉर्डिंग्स में है कि नहीं है, जो जनरल ऑब्जेक्ट है, जो मेन पर्पज है, या फिर रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लो। ठीक है, तो ये कमेटी एग्जामिन करेगी कि उसकी लिमिट्स में रहकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो हैं कि नहीं है। सेकेंडली, वेदर इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बार्स द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कहीं कुछ ऐसे लॉज तो नहीं बने जो हमने थर्ड एक फोर्थ टाइप में पढ़े थे कि जो बार कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ना बनाए जाए जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बार कर दिया जाए ज्यूरिडिक्शन को कोर्ट का। ठीक है, आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। थर्डली, whether it gives retrospective effect to any of the provision in respect of which constitution or the act does not एक सेकेंड, does not expressly give any such power। अब बताओ retrospective effect क्या होता है? हाँ, और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डज नॉट एक्सप्रेसली गिव सच पावर, उससे क्या मतलब हुआ बताओ भाई? शिव, अविनाश, ये आप लोग ये वाला पॉइंट सर्च करना। ठीक है, फिर हम बताएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, अविनाश, अंचन, वो कौन, दीक्षा, सब लोग ये सर्च करना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है, जो डॉक्ट्राइंस वगैरह भी दी गई हैं 13 वगैरह आर्टिकल के अंदर, सबको पता होंगी, याद करिए।
जो बहुत सारी डॉक्ट्राइंस हैं, ठीक है, एक बार उसको पढ़ लेना, फिर कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, आप देखना किस किस से है, 13 की साइड भी चले जाइएगा और 12 13, ठीक है? स्टार्टिंग से पढ़ लेना जरा। हेलो, तेरा जो जुडिशियल रिव्यू है उसके अंदर आप देखिएगा डॉक्ट्राइंस हैं। वॉइस आ रही है सबको? ठीक है, वो डॉक्ट्राइंस देखिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये याद आई। और कौन सी है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली भी है, और भी है, वेवर की है, ठीक है, और एक दो और हैं, वो जरा देख लें फिर हम बताएंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है? वेदर इट मेक, किसी का स्पीकर माइक ऑन है, ठीक है? नेक्स्ट है वेदर इट मेक सम अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सेम वही है कि जो पावर नहीं यूज करना था, मेक सम अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब गलत तरीके से आप किसी पर्टिकुलर पावर्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आपको दी गई है उसका यूज कर रहे हो, उन पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में जो कि आपको वहां पे लिमिट में भी प्रोवाइड की गई होगी इनेबलिंग एक्ट में, उससे हटकर आप चीजों को बना रहे हैं, ठीक है? वेदर देयर अपीयर एनी अनजस्टिफिएबल डिले इन द पब्लिकेशन ऑफ लेइंग इट बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया, जब पेरेंट एक्ट में आपको दिया गया है या मतलब जो इनेबलिंग एक्ट में कि भाई आपको पर्टिकुलर चीज रूल्स एंड रेगुलेशन का पब्लिकेशन, पब्लिसिटी एज वेल एज कंसल्टेशन वगैरह, ये सारी चीजें आपको करवानी है और आप उसमें अनजस्टिफिएबल डिले कर रहे हो, आपके पास जवाबदेही नहीं है कि क्यों डिले हो रहा है, क्यों आप इसको सामने नहीं ला पा रहे हो, और लेइंग बिफोर इट बिफोर द पार्लियामेंट, उन सारी चीजों पे यहाँ पे कौन नजर रखेगा? कमेटी रखेगी। कौन सी कमेटी? कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन विच इज अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। समझ आया? और फिर ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? हेलो, ठीक है, इनकी रिपोर्ट कहाँ जाएगी बताओ भाई? अविनाश बताइए। फिर से पढ़ के आओ भाई, फोर्थ यूनिट पढ़ के आइए। ये कह रहे हैं जो ये स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई, इन्होंने इसके ऊपर चेक रखा, इनडायरेक्टली कंट्रोल रखा, तो कहीं ना कहीं इनको ऑर्डर्स मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, है ना? इनकी रिपोर्ट किसके पास जाएगी? ये देखो, ये कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ठीक है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन की बात हो रही है, ठीक है? तो आप जो बेस्ट आंसर है वो पार्लियामेंट आप बोलोगे, ठीक, क्योंकि ये इसका नेचर क्या है, परमानेंट टाइप का है, ठीक है? एक बार जो फोर्थ यूनिट हमने पढ़ाया था उसमें देख लेना, उसको जरा फिर से पढ़ लेना सब लोग, वरना सब भूल जाओगे, सारी कमिटीज भूल जाओगे, ठीक है? तो आपको कल जो सबसे पहले देखना है वो इसका फोर्थ पॉइंट देख एक सेकेंड थर्ड पॉइंट देखना है आपको, दैट इज वेदर इट गिव्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट टू विच कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली गिव एनी सच पावर, ठीक है? ये सब लोग एज ए होमवर्क समझ के करिएगा, ठीक? शिव, सब लोग को समझ आ रहा है? ये आप इस पे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? सबसे पूछेंगे कौन कौन है। रितिका, समझ आ रहा? सिलेबस में? कौन से सिलेबस में? हाँ,
इसी के अंदर आती हैं ये। तुम क्लास में नहीं थी क्या जब हमने पढ़ाया था? अरे इसी के अंदर आती है बेटा ये सारी कमिटीज। ठीक है अब मेरे को सिलेबस खत्म करवाने दो, उसके बाद हम फिर से रिवाइज करवा देंगे। पहले तो प्रायोरिटी सिलेबस है। ठीक है एक बार सब लोग पढ़ लेना फिर से। ठीक है और ये जो पीडीएफ है मैं 4-5 बजे तक आपको सेंड कर दूंगी, तो इसके थ्रू आप लोग देख लेना कौन कौन से पॉइंट्स आपको देखने हैं। ठीक इसमें केस लॉस ज्यादा है नहीं, 3 केस लॉस हैं वो हम बता देंगे कल। उसके बाद हम जुडिशियल कंट्रोल पे आ जाएंगे और जो भी डाउट हो वो पूछ लेना। दीक्षा शुक्ला सब लोग ठीक है? हाँ इसको पढ़ते चलो वरना फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ समझ नहीं आएगा। सुशील हाँ सुशील ठीक है। प्रमोद जी आपको समझ आ रहा है इसमें? ठीक है तो बुक से थोड़ा आप लोग रिफर करते रहिए चीजों को, क्योंकि सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे स्लाइड में नहीं शो कर सकते। ठीक है हाँ तो आज की मीटिंग यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास है मेरा 1 बजे से। ठीक ओके हाँ यू मैं और 1 सेकंड रुक के अटेंडेंस लेनी है। 1 सेकंड अटेंडेंस रुक जाओ सब लोग। ठीक है ओके यू मे लीव।